हमारे चैनल लर्निंग जंक्शन से हमेशा अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से इस घंटे को जरूर दबा लें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप मिस न कर सके। हेलो वेलकम, मैं हूं इमरान और आप सबका हमारे लर्निंग जंक्शन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ट्रांसलेटर एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। ये एप्लीकेशन आप अपने एंड्रॉयड या iOS में यूज कर सकते हैं और साथ ही आप अपने कंप्यूटर ब्राउजर में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है, तो आप इसे यूज करना सीख जाएंगे, मैं इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं कि हर कोई चाहता है कि मैं किसी जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूं वो लैंग्वेज को हम अपने मनपसंद लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकें। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं तो उसे हिंदी में कैसे ट्रांसलेट हो, या फिर अगर मैं हिंदी में टाइप कर रहा हूं या बोल रहा हूं तो फिर वो इंग्लिश में ऑटोमेटिक कैसे ट्रांसलेट हो जाए। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं या हिंदी में अगर टाइप कर रहे हैं कुछ भी, कोई भी वर्ड, वो ऑटोमेटिक इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट हो जाए, या फिर अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं, वो हिंदी में या फिर किसी भी लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, अपने कंप्यूटर तब चलते हैं और हम आपको बता देते हैं मोबाइल में आप कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे यूज करेंगे, और साथ ही अपने लैपटॉप में कैसे आप इसे इंस्टॉल करेंगे और यूज करेंगे। हालांकि आपको लैपटॉप में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट अपने ब्राउजर में इसे यूज कर सकते हैं। तो आइए देख लें कि हम कैसे हम इंस्टॉल करेंगे एप्लीकेशन को और उसके बाद से हम कैसे बोल कर हम किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन का नाम है गूगल ट्रांसलेटर। आप में से बहुत सारे लोग उसे यूज़ करते हैं, लेकिन जो लोग यूज़ नहीं करते हैं शायद उनको ये वीडियो देख कर बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, उनको हेल्प मिलेगी कि कैसे हम बोल कर ट्रांसलेट कर पाएंगे किसी भी भाषा में। चलिए सबसे ऊपर हम टाइप करते हैं यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर, और उसके बाद से हम गूगल ट्रांसलेटर टाइप करने के बाद हम सर्च कर लेते हैं। सबसे ऊपर ही गूगल ट्रांसलेटर है, आप इसका आइकॉन इस तरह है कुछ है, आप देख सकते हैं। आप इसे किसी भी लैंग्वेज में टाइप करके भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसके बाद से बोल कर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो ये एप्लीकेशन आप अगर मोबाइल में आपके नहीं है तो प्लीज़ आप इंस्टॉल कर लें, ये नियर अबाउट 10 MB की फाइल है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये इंस्टॉल हो जाता है फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये देख रहे हैं डाउनलोड हो गया, अभी इंस्टॉल भी हो गया, अभी ओपन करने के बोल रहा है। चलिए हम यहाँ पर ओपन पर क्लिक करते हैं और इसे हम ओपन कर लेते हैं। इसको खोलने के बाद आप यहाँ से सबसे पहले बोला लैंग्वेज चूज करने के लिए, लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से इंग्लिश और मैं यहाँ पर हिंदी कर लेता हूँ। हम सर्च कर लेते हैं कि किधर है हिंदी, हिंदी 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 हिंदी, ये रहा हिंदी, इस पर टैप कर लेते हैं। और ट्रांसलेट ऑफलाइन, अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन करना तो 32 MB की एक फाइल आपको और डाउनलोड करनी पड़ेगी जो कि आपको ऑफलाइन में भी हेल्प करेगी। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इसे डाउनलोड कर लें, क्योंकि 32 MB की फाइल डाउनलोड करने के बाद आप अगर आपकी इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी है तो भी आप इसे ईजी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसे डन करते हैं, क्योंकि हमारे पास हर वक्त नेट रहती है। अगर जिनके पास नेट की प्रॉब्लम है ऐसे इंडिया में तो फिर आप इसे ज़रूर डाउनलोड कर लें 32 MB की फाइल। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक तरफ इंग्लिश और दूसरे तरफ हिंदी लिख के आ रहा है, इस तरफ है इंग्लिश और इस तरफ है हिंदी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इंग्लिश में आप बोलेंगे और हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइप हो जाएगी तो आप ये सेटिंग रहने देंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में बोलें और किसी और भाषा में ये ट्रांसलेट हो तो यहाँ पर बहुत सारी भाषा दी गई है, आप इसमें से कोई भी किसी पर भी टाइप कर सकते हैं, उस भाषा में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बोल के दिखाऊंगा इंग्लिश में और ये टाइप हो जाएगी हिंदी में, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम बोले हिंदी में और टाइप हो इंग्लिश में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो एरो दिया गया है लेफ्ट एंड राइट की तरफ, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, मतलब ये हिंदी इस तरफ आ गया देखें और इंग्लिश इस तरफ आ गया। तो आप चाहें तो ये इसको चेंज कर सकते हैं, इस लैंग्वेज को इस तरफ और इस लैंग्वेज को इस तरफ कर सकते हैं, बीच में सिंपल आप यहाँ पर टाइप करेंगे
उसके बाद से आप इसे दोनों तरफ कर सकते हैं, मतलब इसको इस तरफ और इसको इस तरफ कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पर फिर से क्लिक करते हैं और मैं इंग्लिश में बोलूंगा और हिंदी में टाइप होगी, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर एक माइक का बटन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद से आप बोलना स्टार्ट करेंगे, या तो फिर आप यहाँ पर टैप करके अपना टेक्स्ट को इंटर करेंगे, मतलब टेक्स्ट टाइप करेंगे इंग्लिश में, तो ये हिंदी में हो जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर टाइप करते हैं इंग्लिश में, देखते हैं कि टाइप करने से कैसे ये कन्वर्ट होता है हिंदी में। तो चलिए यहाँ पर हम टाइप करते हैं, यहाँ पर टाइप कर देते हैं इंग्लिश में, हाय आई एम इमरान। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख क्या रहा है, हाय आई एम इमरान। ठीक है, तो ये ट्रांसलेट इजी आप ऐसे कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम इमरान, नीचे भी लिख क्या रहा है आई एम, मैं इमरान हूँ। तो ये हिंदी में लिख के आ रहा है और ये इंग्लिश में लिख के आ रहा है। लेकिन अगर मैं हिंदी में यहाँ पर लिखता हूँ और उसके बाद से यहाँ पर इंग्लिश में कैसे आएगा, ये भी आप टाइप करके देख सकते हैं। लेकिन मैं चलिए अभी बोल के दिखाता हूँ आपको कि बोलने के बाद से कैसे ये ट्रांसलेट होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस माइक पर क्लिक करते हैं इंग्लिश में, फिर हम बोलते हैं, हेलो आई एम इमरान आलम एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। तो देख सकते हैं कि मैंने इंग्लिश में बोला और यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक टाइप हो गया। तो चलिए अभी हम हिंदी में बोलेंगे और देखते हैं कि इंग्लिश में कैसे टाइप हो जाती है। बैक करते हैं और बीच में जो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो तरफ एरो है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद से क्या होगा कि हिंदी इस तरफ आ जाएगी और इंग्लिश इस तरफ। अभी हम हिंदी में बोलना होगा, चलिए हम यहाँ पर माइक पर हम क्लिक करके फिर बोलना स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ इमरान आलम और मैं इंडिया से हूँ। तो देख सकते हैं कि मैंने हिंदी में यहाँ बोला और यहाँ पर इंग्लिश में टाइप हो गई। तो ये एप्लीकेशन यूजफुल है, आप चाहें तो इसे इजी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें अपने कंप्यूटर में यूज करना, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि आपको अपना सिंपल ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद से यहाँ पर टाइप कर लेना पड़ेगा गूगल ट्रांसलेटर और इंटर प्रेस कर दें, तो आपको यहाँ पर सर्च रिजल्ट में आ जाएगा। यहाँ से भी आप टाइप कर सकते हैं या फिर आप गूगल ट्रांसलेटर का वेबसाइट में भी आ सकते हैं, translate.google.com, और फिर यहाँ पर भी सिंपल वैसे ही आप जो चाहें वो टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए हिंदी में टाइप करूँगा और यहाँ इधर इंग्लिश में टाइप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, मैंने यहाँ पर टाइप किया हिंदी में, मेरा नाम इमरान आलम है और इधर देखिए माई नेम इज इमरान आलम आ गया। और अगर मैं यहाँ पर इधर माइक पर क्लिक करके अगर मैं बोलता हूँ तो भी आप देखेंगे कि इधर टाइप हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इस माइक पर क्लिक करके बोलता हूँ, मेरा नाम इमरान आलम है। देखिए मैंने इधर बोला और इधर देखिए टाइप हो गया। तो देखिए मैं बोलता हूँ और ये कैसे टाइप होता है, चलिए मैं इस माइक पर क्लिक करते हैं और फिर बोलना स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ इमरान आलम और आपका हमारे लर्निंग जंक्शन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे गूगल ट्रांसलेटर के बारे में। अगर आपको गूगल ट्रांसलेटर के बारे में पता नहीं है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हिंदी में बोला और ये पूरा हिंदी में टाइप होते चला जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, मतलब यहाँ आप मोबाइल में भी इसे यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो आप इस अपने ब्राउजर में भी इसे यूज कर सकते हैं। मैं इधर इंग्लिश में बोलते जाऊंगा और इस तरफ हिंदी में ये ऑटोमेटिक टाइप होते जाएगा। बट मैं आपको बता दूं कि ये उतनी अच्छी से नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत करेक्शन कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा तरह से इधर इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको यूज करना है तो प्लीज़ आप यूज करें, और अगर कुछ जानकारी और चाहिए इसके बारे में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी अपने मनपसंद भाषा में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, और अपने जिस लैंग्वेज में जिस भाषा में आप बोल के ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप अरबिक में बोलते हैं और चाहते हैं कि वो इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेट हो जाए तो इजी हो सकता है। तो आप इस एप्लीकेशन को यूज करें, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।